आपने बंद कमरे में धर्मांतरण की बात सुनी होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में अब धर्मांतरण के लिए खेत में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। धर्मांतरण कराने के आरोप में 6 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है और हैरानी की बात यह भी है कि ईसाई धर्म के 2 प्रचारक पूरे 800 किलोमीटर का सफर करके मुंबई से बैतूल आए थे। महाराष्ट्र टू मध्य प्रदेश धर्मांतरण गैंग, यीशु मसीह से सुधरी का नहीं अब तक के सुधर रही है। एमपी के बैतूल में धर्मांतरण की खेती। बैतूल के इस खेत में कुछ लोग इकट्ठा है, किसी बात को लेकर दो गुटों में बहस चल रही है। पहली नजर में ये भूमि विवाद लगता है, लेकिन यहाँ विवाद जमीन को लेकर नहीं बल्कि धर्म को लेकर हो रहा है। अरे मेरा कहाँ बना रहे आप कौन है? मुंबई से धर्मांतरण कराने के लिए फ्रांसिस नाम का ये शख्स 800 किलोमीटर दूर बैतूल पहुंचा। इसने कई हिंदू परिवारों का पहले ब्रेन वॉश किया और फिर प्रचारक सभा का आयोजन किया। बैतूल के खेत में चल रही धर्मांतरण सभा का जैसे ही पता चला, बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध करने के लिए पहुंच गए। आनंद फानन में पुलिस तक भी मामले की शिकायत पहुंची। धर्मांतरण चल रहा है, थाने थाने में बता दिया। बहुत दिनों से षड्यंत्र चल रहा है इनका ये गांव में। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुंबई से आए दोनों धर्म प्रचारकों को हिरासत में लिया और सभा का आयोजन करने वाले 4 लोगों को भी पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से कुछ आपत्तिजनक साहित्य को भी जब्त किया। नाम उल्टाई में एक अपराध पंजीबद्ध कराया गया है, उसके द्वारा ये बताया गया है कि जबरदस्ती ईसाई धर्म को अपनाने की बात कह रहे थे। इस पर 6 लोगों के विरुद्ध थाना उल्टाई में अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस खुलासे के बाद आरोप है कि बैतूल में लंबे समय से धर्मांतरण का ये खेल चल रहा था, जिसमें ऐसे आदिवासियों और दूसरे जरूरतमंद लोगों को टारगेट किया जाता है और फिर अलग अलग लालच देकर उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है। दरअसल पहले से धर्मांतरण कर चुके एक आदिवासी परिवार ने अपने खेत पर धर्मांतरण सभा का आयोजन किया, जिसमें 50 से 60 आदिवासी और दलित समुदाय के लोग शामिल हुए थे। धर्म सभा के जरिए सभी को ईसाई अपनाने के लिए प्रेरित करना था। गनीमत रही कि पुलिस मौके पर पहुंच गई और धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ हो गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बैतूल की तरह एमपी में कितने जगहों पर धर्मांतरण का ये गोरख धंधा चल रहा होगा। रूपेश कुमार, बैतूल, जी मीडिया। आपका नाम क्या है? जी न्यूज़।